हेलो फ्रेंड, मैं हूँ धर्मेश पंचाल। ट्रिक्स फन स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। आपके लिए मैथ्स का, सीबीएसई का मोस्ट आईएमपी वीडियो लेके आया हूँ। सिर्फ इतना कर लीजिएगा, आपका बोर्ड का सीबीएसई में 50+ मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा। बाकी आपको अगर 80 में से 80 मार्क्स लाने हैं तो पूरा बुक शो करना ही पड़ेगा, मगर सिर्फ इतना तो करके ही जाइएगा, इसे मत छोड़िएगा। कौन सा पोर्शन आपको अवॉइड करना है ये भी मैं बताऊंगा। सिलेबस वाइज पूरा डिटेल में परफेक्ट एनालिसिस किया है मैंने। कितना आपको कंपलसरी रीड करना है ये भी बताने वाला हूँ, और मैथ्स के सुपर क्वेश्चंस भी आपको देने वाला हूँ कि ये तो बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। चलिए आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर वाइज बता दूँ कि कितने क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ और कितना बोर्ड में आपको सीबीएसई में आने ही वाला है। चैप्टर नंबर 1 के मैंने 4 मार्क्स के आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। इतने 4 मार्क्स का आप इतना कर लीजिएगा, इतना तो आएगा ही आएगा। चैप्टर 2 में मैंने आपको 6 मार्क्स का दे दिया है। चैप्टर 3 में 3 मार्क्स का दे दिया। चैप्टर 4 में 6 मार्क्स का। चैप्टर 5 में 4 मार्क्स का। चैप्टर 6 में 8 मार्क्स का। चैप्टर 7 में 6 मार्क्स का। चैप्टर 8 में 2 मार्क्स का। चैप्टर 9 में मैंने कोई भी चीज़ आपको मेंशन नहीं करके दी है। आपको जो करके जाना है वो आप करके जा सकते हैं, आपकी मन की मर्जी है। मैंने इसमें कोई भी सम्स, कोई भी एग्जाम्पल्स आपको नहीं दिया है। चैप्टर 6 में मैंने 6 मार्क्स का आपको दे दिया है। चैप्टर 11 में 8 मार्क्स का दे दिया है। चैप्टर 12 में 3 मार्क्स का दे दिया है। चैप्टर 13 में मैंने आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया है, पर यह चैप्टर आपको पूरा करके जाना है। इसमें कुछ भी स्किप ना करिएगा, बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है। चैप्टर 14 में 10 मार्क्स का दे दिया है। चैप्टर 15 में 5 मार्क्स का दे दिया है। टोटल अगर ये मैंने दिए हुए पोर्शन को काउंट करें तो ये सब कुछ हो के 50+ मार्क्स का आईएमपी मैंने आपको दे दिया है। इतना करके जाइएगा, 50+ मार्क्स आप आसानी से कवर करके आ जाएंगे। बाद में मत बताना कि सर आपने बोला नहीं था। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 1 सीबीएसई मैथ्स का सिलेबस क्या है, ये भी बता देता हूँ। कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, कौन सा आपको कंपलसरी पोर्शन करना है और क्वेश्चन कौन से करने हैं, परफेक्ट मोस्ट आईएमपी भी मैंने आपको दे रखा है। चैप्टर नंबर 1 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। उसका सिलेबस है यूक्लिड डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिवाइविंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलुस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स एंड प्रूफ्स ऑफ रेशनैलिटी ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ये आपका पूरा सिलेबस है। इसमें से आपको अवॉइड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, तो आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरी की पूरी स्किप करनी है। यह आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसे अपने नॉलेज के लिए एग्जाम खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं, मगर अभी नहीं करना है। अभी हम फोकस करेंगे बोर्ड पे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जाम में आने ही वाले हैं ये देख लीजिए। एलसीएम और एचसीएम के 2 एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। एक तो मिनिमम आएगा ही, पर 2 पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी एलसीएम और एचसीएम को ना स्किप करिएगा, बिल्कुल एकदम इजी वाला मेथड है, उसे स्किप ना करें। सेकेंड एग्जाम्पल प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी करके जाइएगा, एक एग्जाम्पल उसका होगा ही होगा। तो ये सिर्फ 2 मेथड आप कर लेंगे तो इसके आपके 2 या 3 एग्जाम्पल आपके बोर्ड में कवर हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल स्किप ना करें। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का सिलेबस देख लेते हैं। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट। इसमें आपको कितना सिलेबस नहीं करना है, तो ये जो लास्ट वाला है स्टेटमेंट वाला, ये पूरा का पूरा आपको स्किप करना है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसके रिगार्डिंग कौन सी एक्सरसाइज आती है, तो इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज नंबर 2.3। एक्सरसाइज नंबर 2.3 आपको पूरा स्किप करना है, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट टाइम पे इस चैप्टर में से ऐसा एग्जाम्पल जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, फाइंड और वेरीफाई जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जी हाँ, या तो आपको जीरोस और कोएफिशिएंट फाइंड करने को बोल सकते हैं, या तो आपको जीरोस और कोएफिशिएंट वेरीफाई करने को बोल सकते हैं। ये 2 में से कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 2 या 3 सम्स होंगे ही। ये परफेक्टली करके जाइएगा, स्किप मत करना, वरना आप कहेंगे कि आपने सब बताया नहीं था हमें।
चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशंस, ये पोर्शन हमें करना है। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एल्जेब्रिकली, by substitution method, by elimination method, by cross multiplication method, ये three method बहुत ही important method है, मगर इसमें CBSE board में हमें cross multiplication method नहीं करना है क्योंकि ये syllabus से हटा दिया गया है, तो ये पूरा portion हमें avoid करना है। वैसे भी थोड़ा बहुत difficult था तो अच्छा हुआ कि इसे हटा दिया गया। सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हमें करने हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, ये हमें करना है। तो अवॉइड क्या करना है, सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अवॉइड करना है, बाकी पूरा चैप्टर हमें कवर करना है। मोस्ट टाइम पे देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है, ये दो मेथड कर लीजिएगा, दो में से एक या दो सम तो होगा ही होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों में से दो भी हो सकते हैं और एक तो आएगा ही आएगा। दोस्तों साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको बार बार ये वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, और पूरा वीडियो स्किप भी मत कर देना स्क्रीनशॉट ले लेके, क्योंकि बीच बीच में मैंने जो इम्पोर्टेंट नोट्स आपको बता रखी है, जो मैं स्टिक करके बताने वाला हूँ, वो आप मिस ना कर दें। चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो विच ए इज नॉट इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर रूट। अवॉइड क्या करना है इस सिलेबस में, तो सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारी फैकल्टीज ने आपको नहीं बताया होगा, पर मैं बता देता हूँ कि जो भी आपको कोई क्वेश्चन से वो फॉर्मूला बनाने वाले एग्जाम्पल्स है, वो आपको एक भी नहीं करना है। जी हाँ, एक भी नहीं करना है। तो जैसे एजिस वाले होते हैं, ट्रेन वाला है, स्पीड वाला है, वो सारे जो एग्जांपल्स है, वो सारे एक्सरसाइज के एग्जांपल्स है, वो आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम ये पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है, तो वो आपको फालतू में करने की ज़रूरत नहीं है। तो अवॉइड क्या करना है, एक्सरसाइज वाइज में आपको बता दूं कि एक्सरसाइज नंबर 4.2 जिसमें 3 to 6 जो सम दे रखे हैं, वो आपको नहीं करने हैं, अवॉइड करना है। वैसे भी यही पोर्शन सबसे ज़्यादा टफ वाला था, बच्चों को यही नहीं समझ में आता था कि ये क्वेश्चन पढ़ के हम इक्वेशन बनाए तो कैसे बनाए। एक्सरसाइज नंबर 4.3 में क्या अवॉइड करना है, तो 4 to 11 वाले जो सम है, जो सबसे टफेस्ट कहे जाते हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं। अब एग्जाम में क्या आने ही वाला है, क्या किया जा सकता है, तो देख लीजिए, दो सम्स आपके फाइंड रूट्स वाले पूछे जाएंगे। फाइंड रूट्स कैसे पूछ सकते हैं ये भी देख लीजिए। तो सिंपल क्वेश्चंस भी कोई आ सकता है 2 मार्क्स में, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो जो 1/1 वाले सम होते हैं कि जिसे हमें एलसीएम फाइंड करने के बाद हमें उसके रूट्स फाइंड करने पड़ते हैं, वो वाला सम तो आएगा ही आएगा। बाकी कौन से पूछ सकते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला सम भी पूछ सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स के फाइंड रूट करने वाले एग्जांपल्स कर लेना एक्सरसाइज में से सारे के सारे, उसमें से 2 सम्स आने ही वाले हैं। एक और फाइंड रूट का है जो पूछा जा सकता है और चांसेस बहुत ज़्यादा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसे भी स्किप मत करना, इसमें से भी एक सम पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिलेबस देख लेते हैं क्या है इसका। मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कौन सी एक्सरसाइज में से कौन से सम्स अवॉइड करने हैं ये देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको 5.2 की एक्सरसाइज है, उसमें से 19 और 20 जो 2 सम है वो आप अवॉइड कर सकते हैं, ये करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ खास रिमूव नहीं किया है, पूरा चैप्टर रखा ही है, बस ऐसे ही दिखाने के लिए ये सिंपल सी लाइन रिमूव कर दी है।
तो चलिए अब देख लेते हैं, हम मेन हमारे फोकस पे चलते हैं कि मोस्ट टाइम पे हमें क्या करना है। तो दोस्तों लिख के रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एन और एस एन का दोनों का एक एक सम पूछा जाएगा। ये मेथड अपने दिमाग में घिस के रख दीजिए। दो सम आएंगे कंपलसरी, एक एन का अलग से पूछेंगे और एस एन का भी अलग से पूछ लेंगे। चलिए एक और बार आगे बढ़ने के लिए जरा देख लीजिए कि ट्रिक्स ऑन स्टडी आपकी क्या मदद कर सकता है, आपके लिए क्या हेल्प लेके आया है। बाद में हम आगे चलते हैं, स्किप ना कीजिएगा दोस्तों, वरना बहुत बड़ा पोर्शन मिस कर देंगे। चलिए मैथ्स के रिगार्डिंग देख लेते हैं कि आपकी क्या हेल्प कर सकता है ट्रिक्स ऑन स्टडी। सबसे पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जी हाँ दोस्तों, स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला जो वीडियो बना रखा है वो आपको कौन से चैप्टर्स में हेल्प कर सकता है ये देख लीजिए। मुझे पता है दोस्तों आप सबको स्क्वायर और स्क्वायर रूट आता ही होगा, पर आप उसमें अभी भी मास्टर नहीं हुए हैं। आपको कुछ हद तक ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट आता है। अगर ज्यादा लंबा वाला बड़ा वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वो नहीं आएगा। कौन से चैप्टर्स में आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हेल्प हो सकती है तो देख लीजिए। आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स में फोर्थ, सेवन्थ, ट्वेल्थ और थर्टीन, ये चार चैप्टर ऐसे हैं। मैंने पूरा एनालिसिस किया है कि ये चार चैप्टर में एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त आपको एग्जाम्पल के आंसर लाने वक्त के लास्ट स्टेप में कहीं ना कहीं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। क्योंकि कभी भी आंसर आने में आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों में से किसी भी एक को फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इस वीडियो को देखना हो, अगर आप जब भी फ्री हो आप देखना चाहते हो, तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। सेकेंड एलसीएम और एचसीएम, इसके तो मैंने आपको बता रखे हैं कि दो सम आने ही वाले हैं, तो क्यों ना अच्छा है कि हम इसका वीडियो देख के, इसकी ट्रिक देख के इसे सॉल्व करना सीख जाए, ताकि हम एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो और कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। एलसीएम और एचसीएम की ज़रूरत किस चैप्टर्स में पड़ने वाली है, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 13, ये पाँच चैप्टर में आपको एलसीएम और एचसीएम की ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए साइंस के रिगार्डिंग देख लेते हैं कि साइंस के रिगार्डिंग आपको क्या इंपोर्टेंस मिल सकती है ट्रिक्स ऑन स्टडी से। तो साइंस का मोस्ट आईएमपी वीडियो दोस्तों, ऐसा ही जो मैथ्स का बनाया हुआ है, वो 50+ मार्क्स का आईएमपी वाला वीडियो नेक्स्ट वीक में मैं डालने वाला हूँ। आप ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और वॉच करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसा ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि साइंस का भी मोस्ट आईएमपी वीडियो आ गया है। सेकेंड, आपको क्या हेल्प हो सकती है साइंस से, तो आपके जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है वो कवर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आपके पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। 1, 2, 3 में से क्या क्या कवर होगा, तो एमसीक्यू पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। कोई भी एमसीक्यू मेरे वीडियोज के बाहर का नहीं आने वाला है। थियरी आपकी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी, और मैंने इसमें ये भी बता रखा है कि थियरी को याद कैसे रखा जा सकता है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी ले रखा है और माइंड ट्रिक दे रखा है कि एमसीक्यू अगर पूछा जाए तो आप सॉल्व कैसे। तो पूरा का पूरा साइंस का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा दोस्तों। 1, 2, 3 चैप्टर आपके पूरे के पूरे मैंने जो बताया, सेक्शन ए से लेके डी तक का पूरा पोर्शन आपका बोर्ड का पेपर का कवर हो जाएगा, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो इसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल्स, जिसके अंदर बहुत सारा पोर्शन है सिलेबस के अंदर, प्रूफ्स है बहुत सारे और मोटिवेट है। पहला प्रूफ है, दूसरा मोटिवेट, तीसरा मोटिवेट, चौथा मोटिवेट, पांचवा मोटिवेट, सिक्स वाला मोटिवेट, सेवन्थ वाला प्रूफ है जो हमें नहीं करना है, जो अवॉइड करके रखा है। कौन सा प्रूफ अवॉइड करना है, तो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। एट्थ वाला प्रूफ है जो हमें करना है। नाइन्थ वाला भी रिमूव कर दिया है आपके सिलेबस से, वो भी प्रूफ था, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन द वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज द राइट एंगल। ये पोर्शन इतना रिमूव कर दिया है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कि सिलेबस के हिसाब से आपको कौन से थियरम अवॉइड करने हैं। तो थियरम नंबर 6.7 पूरा का पूरा आपको अवॉइड करना है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा थियरम है 6.9, ये भी आपको अवॉइड करना है। मोस्ट टाइम भी देख लीजिए कि कितना पोर्शन आपके एग्जाम में आने वाला है। 8 मार्क्स का पूरा कवर हो जाएगा सिर्फ आपने इतना कर लिया तो।
चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 में जो फर्स्ट वाला साउंड है वो मिस ना करिएगा, कंपलसरी करके जाइएगा। इसके सिमिलर क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, सेम टू सेम आएगा ऐसा तो नहीं बता सकता मैं, पर क्वेश्चन चेंज करके भी पूछ सकते हैं, पर इसके सिमिलर हो सकता है। बाकी के एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, एक्सरसाइज के अलावा जो एग्जांपल्स होते हैं आपके वो फिफ्थ और सेवन्थ, ये दोनों एग्जांपल्स भी करके जाइएगा, इसके सिमिलर भी आ सकता है। एक्सरसाइज नंबर 6.3 में सेकंड वाला सम करके जाइएगा, एक्सरसाइज नंबर 6.4 में फर्स्ट वाला सम करके जाइएगा, और थ्योरम कौन कौन से करने हैं तो 6.1 करना है और 6.8 करना है। इतना पूरा पोर्शन अगर आप कर लेंगे तो आपके दो सम्स आपके कवर हो जाएंगे, यानी आपके पूरे 8 मार्क्स कवर हो जाने वाले हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं पर मिनिमम 8 मार्क्स तो आपके कवर हो ही जाएंगे। दोस्तों हो सकता है कि दोनों ही दोनों थियरम्स पूछ ले, मगर एक तो पूछा ही जाएगा। अगर एक ही थियरम पूछा तो इनमें से कोई भी एक एग्जांपल्स पूछ लेंगे, तो आप एग्जांपल्स भी इतने करके जाइए और ये दो थियरम भी करके जाइए, आपके 8 मार्क्स कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का सिलेबस है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन वाला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसने स्किप किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके रिगार्डिंग आपको कौन सा एक्सरसाइज अवॉइड करना है तो पूरा का पूरा 7.3 वाला एक्सरसाइज आपको अवॉइड करना है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो बचा क्या, दो एक्सरसाइज बचे 7.1 और 7.2। दोस्तों इन दो एक्सरसाइज में से आपके दो सम्स आएंगे, मैक्सिमम चांसेस है कि 3 मार्क्स के दो सम्स आएंगे, तो आपके 6 मार्क्स इसमें कवर हो जाएंगे। और बहुत ही इजी वाला चैप्टर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, हर एक बच्चे को आता है मुझे पता है, पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेथड ये मत स्किप करिएगा, डिवाइड इनटू पार्ट्स वाला, इसका एक सम आएगा ही आएगा। जी हाँ, डिवाइड इनटू पार्ट्स वाला मेथड मत स्किप करिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे रखा है एग्जाम्पल जो आपका 8 है, 8 के सिमिलर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आपके डिवाइड इनटू पार्ट वाला पूछ सकते हैं, तो ये स्किप ना करिएगा। और मेरे हिसाब से मैं कहूँ तो अच्छा है कि 7.1 और 2 दो ही एक्सरसाइज है और बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर, तो इसे पूरा करके जाइए, आपके 6 मार्क्स कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सिलेबस देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड, मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 degree एंड 90 degree। ये पोर्शन आपका रिमूव कर दिया गया, ये आपको नहीं करना है। वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 degree, 45 degree एंड 60 degree, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज। अब इसके रिगार्डिंग आपको कौन सी एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, तो एक्सरसाइज नंबर 8.3 पूरा का पूरा आपको अवॉइड करना है, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मोस्ट टाइम्स क्वेश्चन देख लीजिए, तो मोस्ट टाइम्स मैंने इसमें खास तो कुछ नहीं दे रखा है, ये चैप्टर आपको पूरा करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव का IMP तो दोस्तों कोई नहीं दे सकता आपको, वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके आप उसे सॉल्व करने के लायक बनेंगे। तो वो टाइम भी मैंने एक बात आपको इसमें दे रखी है कि मस्ट रीड एंगल टेबल, वो जो एंगल वाला टेबल है वो रीड करके जाए, 2 मार्कर का एक सम उसमें आने की पूरी चांसेस है, तो वो आप स्किप ना करिएगा, वो ज़रूर करके जाइए। और इस चैप्टर में वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है कि उस टेबल में से कोई ऑब्जेक्टिव का 1 मार्क्स का सम भी आपको पूछ लिया जाए, तो ये ज़रूर करें। चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया है, आपको कुछ भी अवॉइड नहीं करना है, पूरा का पूरा चैप्टर करना है, और मैंने इसमें कुछ भी आपको मेंशन करके नहीं दिया है, आपको जो करना हो वो कर सकते हैं, मैं इसमें आपको कोई हिंट नहीं दे रहा, कोई IMP नहीं दे रहा। अगर आपको ये चैप्टर ईजी लगता है तो ही करें, ये मेरी एक राय है, अगर इजी लगता है तो ही कर दे, वरना इस चैप्टर को लेके बाकी के चैप्टर स्किप मत करना, स्किप करना हो तो चैप्टर 9th करना, 99% पॉसिबिलिटी है कि चैप्टर 9th आपका ऑप्शन में निकल जाएगा अगर आपने बाकी के चैप्टर सही से कर लिए तो। तो ये चैप्टर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, वरना आप कहेंगे सर आपने तो मना किया था, इसका तो इतना बड़ा पोर्शन आ गया एग्जाम में, अब क्या करें,
मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, आपको करना हो तो कर सकते हैं, पर मैं इसमें कोई मोस्ट टाइम भी नहीं दे रहा हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10th में सर्कल, उसमें भी कोई भी पोर्शन अवॉइड नहीं किया है, मगर मैंने इसमें आपको मोस्ट टाइम भी दे रखा है। आपको करना क्या है, लेंथ और रेडियस वाले एग्जाम्पल्स करके जाइएगा, एक या दो सम्स तो उसमें से आएंगे ही आएंगे, लेंथ और रेडियस में से। और बहुत इजी वाला पोर्शन है ये, कोई टफ नहीं है, तो इतना तो कर ही लीजिएगा। बाकी एक और बात मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, तो आपको बता देता हूँ कि वो जो थियरम है वो थियरम स्किप ना करिएगा, दोनों थियरम करके जाइएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरम है, 3 मार्क्स में आ भी सकता है, इसीलिए वो ज़रूर करके जाइएगा। मैं इसमें मेंशन करना भूल गया हूँ मोस्ट टाइम भी में, पर थियरम लिख लीजिए, 10.1 और 10.2, इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा और ये सम भी आएगा ही आएगा। तो इतना करके जाइएगा, आपका 10th वाला चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11 में कंस्ट्रक्शन, उसका सिलेबस है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो इंटरनली, टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। थर्ड वाला पोर्शन पूरा का रिमूव हो चुका है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, ये पूरा रिमूव हो गया। इसके रिगार्डिंग आपको कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना है, तो एक्सरसाइज नंबर 11.1 आपको पूरा का पूरा स्किप करना है, ये करने की आपको जरूरत नहीं है। मोस्ट टाइम क्वेश्चंस ले लीजिए, तो 11.2 एक्सरसाइज आपको पूरा करना है दोस्तों, इतना छोटा सा एक्सरसाइज है, और कंस्ट्रक्शन तो हर फेल होने वाले बच्चे को भी आता होता है, तो ये तो स्किप करने का कोई चांस ही नहीं है। इसमें से दो सम आने के चांसेस है, एक तो आने ही वाला है, आप सब जानते हैं, पर मेरा रिव्यू ये है कि इसमें से दो सम्स इस बार पूछे जाने चाहिए। अगर दो पूछे गए तो दोस्तों आपके 8 मार्क्स पूरे कवर हो जाने वाले हैं। एक और बात खास नोट दिमाग में लिख लीजिए, याद रख लीजिए, स्टेप अवॉइड मत करना, स्टेप रीड करना, परफेक्टली आपके सारे स्टेप होने चाहिए। मुझे पता है आप सब बहुत आलसी हो, मेरे हीरोज ऑफ माय बैरेज, तो इसे अवॉइड मत करिएगा, स्टेप बहुत ही कंपलसरी है, स्टेप्स के बिना आपको सिर्फ ड्राइंग के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये पोर्शन मैंने आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया, ये भी बता दिया कि दो सम आने वाले, एक तो आएगा ही पर दो के चांसेस ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसका पोर्शन है ये पूरे सिलेबस में से सिर्फ 120 डिग्री वाले सम्स ही अवॉइड करने को बोला है। 120 डिग्री के अलावा पूरा का पूरा चैप्टर हमें करना है, तो अवॉइड कौन सा एक्सरसाइज में से कौन सा सम होगा ये देख लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 12.2 में आपको 7th वाला सम अवॉइड करना है, ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 120 डिग्री वाला है। एक्सरसाइज नंबर 12.3 में आपको 6th वाला सम अवॉइड करना है, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी 120 डिग्री वाला है। अब मोस्ट टाइम क्वेश्चन देख लीजिए जो आपका एग्जाम में आने ही वाला है, तो माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर और एरिया, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों को कंबाइन करके भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो इन तीन में से कोई भी दो पोर्शन भी पूछ सकते हैं, मिक्स करके एक ही एग्जाम्पल होगा, और वो एग्जाम्पल 3 मार्क्स का ही होगा शायद। तो इतना 3 मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन करके जाइएगा, तो आपका 3 मार्क्स का पोर्शन इस चैप्टर से कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कंबाइनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर्स, हेमिस्फेयर्स एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर, कॉन्स। फर्स्ट टर्म ऑफ अ कॉन, फर्स्ट टर्म ऑफ अ कॉन आपका पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है पोर्शन, यह आपको करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड आपको क्या करना है, तो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स विद कंबाइनेशन ऑफ नॉट मोर देन टू डिफरेंट सॉलिड्स बी टेकन। तो फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन के रिगार्डिंग कौन सा एक्सरसाइज आपको अवॉइड करना है, तो पूरा आपको 13.4 वाला एक्सरसाइज पूरा का पूरा अवॉइड करना है, ये एक्सरसाइज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मोस्ट टाइम भी मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, आपको पूरा चैप्टर करना है। मेरी सलाह माने तो कुछ भी स्किप करके ना जाए इस चैप्टर में,
क्योंकि इस चैप्टर में से 9 मार्क्स के सिर्फ सम पूछे जाएंगे, बाकी का ऑब्जेक्टिव तो अलग, ऑब्जेक्टिव मैंने काउंट नहीं किया है, पर सिर्फ इसके अंदर से 9 मार्क्स के सम पूछे जाएंगे। फॉर्मूला खास करिएगा दोस्तों, फॉर्मूला का ऑब्जेक्टिव में एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का क्या होता है, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी फॉर्मूला तो इसके करके ही जाइएगा। चैप्टर नंबर 14 स्टेटिस्टिक्स, मीन मीडियम मोड ऑफ ग्रुप डेटा बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। दोस्तों इसके अंदर आपको मीन का जो टैब डेविशन वाला थियरम है वो आपको अवॉइड करना है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ग्राफ वाला मैं हाईलाइट करना भूल गया हूँ, तो ये ग्राफ वाला पोर्शन भी आपको नहीं करना है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा पोर्शन, कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, तो देख लीजिए। मीन वाला, स्टेप डेविएशन वाला जो मेथड है वो कौन से एग्जाम्पल में आता है, तो 14.1 में टेक कर लीजिए। फोर्थ वाला, सिक्स वाला और नाइन्थ वाला, ये 3 एग्जाम्पल आपको नहीं करने हैं। इसके अलावा आपको सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, और पूरा का पूरा एक्सरसाइज 14.4 आपको स्किप करना है, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या है, फ्रीक्वेंसी ग्राफ पे डिपेंड करता है, यानी ये पूरा एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट टाइम भी देख लीजिए, मस्ट रीड फुल चैप्टर, ये मेरी राय है पर्सनली कि पूरा चैप्टर करके जाइए, और ये आसान सा चैप्टर है, सारे बच्चे इस चैप्टर को तो करते ही है, पता है कि इसमें से तो बहुत कुछ आता है, तो इतना तो हमारा कवर हो जाए। तो पूरा चैप्टर करिएगा, क्योंकि 10 मार्क्स के सिर्फ एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। एक और हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि 4 मार्कर्स के 2 एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं, एक तो आने ही वाला है, पर 2 पूछाने के भी चांसेस ज़्यादा है, तो ये खास करके जाइएगा। बहुत पैसे भी मैंने दे रखे हैं, पर मेरी राय यही है कि पूरा चैप्टर करके जाइए, फिर भी देख लीजिए, इतना करेंगे तो फिर भी आपका 10 मार्क्स का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, यानी मेथड करिएगा, रट्टा मत मारिएगा। मुझे पता है आप आंसर के साथ पूरा का पूरा रट्टा मारने में बहुत माहिर है, और रट्टा मत मारिएगा, ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, मेथड वाइज प्रिपेयर करिएगा। चलिए तो आईएमपी देख लीजिए, 14.1 एक्सरसाइज में कौन कौन से सम्स आप करेंगे तो पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ और एट। एक्सरसाइज नंबर 14.2 में फर्स्ट, थर्ड और सिक्स। एक्सरसाइज नंबर 14.3 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स। इतना पोर्शन अगर आपने कर लिया तो पूरा का पूरा आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कोई भी पोर्शन आपको अवॉइड नहीं करना है, पूरा का पूरा चैप्टर है, और बहुत ही ये भी चैप्टर इजी वाला है, तो इसमें कुछ भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मोस्ट टाइम भी यही है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर रीड करके जाए, 5 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ, बाकी ऑब्जेक्टिव तो अलग से कह रहा हूँ। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा आपका बोर्ड का एनालिसिस, इतना कर लिया तो 50+ मार्क्स आपके आराम से कवर हो जाने वाले हैं। अगर इसमें से आपका बोर्ड का सीबीएसई का पेपर आ जाए और आपके अच्छे मार्क्स कवर हो जाए, तो मेरा ये वीडियो लाइक करना और शेयर करना, और उस दिन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं नहीं कहता कि आज ही सब्सक्राइब करके जाइए, पर जिस दिन इसमें से पूछा जाए बोर्ड के एग्जाम में, तभी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, वरना मत कीजिएगा। आप चाहे तो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि इतना कर लीजिए, आपके 50+ मार्क्स कवर हो जाएंगे। शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।